बीते रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश का असर जो है वो अब सड़कों पे दिखने लगा है, क्योंकि जगह जगह पर जल जमाव और हैवी ट्रैफिक की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं एयरपोर्ट के ठीक पहले हूँ, जो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और उसके बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए सड़कों पे किस तरीके से जल जमाव है, और इस जल जमाव ने सड़कों पे गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी, और शायद यही वजह है कि यहाँ पे आप लंबा जाम देख सकते हैं, जहां पर कई जगह पे गाड़ियां भी खराब हो चुकी है और गाड़ियां रुकी हुई है, जो भी एक और जाम का सबब कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई पड़ रही है। देख सकते हैं कि बीच सड़क पे भी ये गाड़ी बारिश की वजह से यहाँ पे खड़ी हो चुकी है और खराब स्थिति में गाड़ी यहीं पे, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए सड़कों पे दो ही चीजें दिख रही है, एक तो जल जमाव और दूसरे हैवी ट्रैफिक, और इसके बीच में लोग परेशान हैं, आम राहगीर परेशान हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे अमूमन आम दिनों के मुकाबले आज यहाँ पे ज्यादा जाम देखने को मिल रहा है बारिश की वजह से। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक है कि ट्रैफिक कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि लोग एयरपोर्ट आ रहे हैं और यही रास्ता जो है ये आगे गुरुग्राम की ओर भी जाने वाला है, जहां पे लोग अपने कामकाजी लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और जो सड़कों पे जल जमाव और ट्रैफिक की स्थिति देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं यह बारिश जो है यह लोगों के लिए अब मुसीबत साबित हो सकती है।